हेलो दोस्तों, आज रूपीज किचन में हम बनाएंगे मैगी ऑमलेट। ये मेरी फेवरेट डिशेस में से एक है। इसे बनाने का तरीका भी इंटरेस्टिंग है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें 2 पैकेट मैगी चाहिए, 20-20 रुपए वाली। सबसे पहले हम मैगी को बना लेंगे। बस उबले हुए पानी में मैगी को डालना है और इसे अच्छे से बॉइल कर लेंगे। पहले अब इसमें डालेंगे हम मैगी मसाला और इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर पका लेंगे हम मैगी को। अब हम बनाएंगे ऑमलेट। एक पैन में थोड़ा सा बटर गर्म करेंगे और इसमें हम डाल देंगे 4 अंडे। हमें अंडों को फेंटना नहीं है, तरीके से हम इसमें 4 अंडे डालेंगे। और इसमें डालेंगे चुटकी भर नमक। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और इसे हम ढक्कन लगा के लो फ्लेम में थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। बस ऑमलेट बन गया और इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। अब है नेक्स्ट स्टेप्स। इसके लिए हमें रेड येलो कैप्सिकम और टमाटो अनियन और थोड़ा हरी मिर्च चाहिए। रेड येलो कैप्सिकम ना हो तो आप इसके बदले में गाजर और मटर भी डाल सकते हैं। अब इन सबको करेंगे थोड़ा सा फ्राई। एक पैन में थोड़ा बटर गरम करेंगे और डाल देंगे इसमें कटी हुई प्याज और हल्का सा मिक्स कर लेंगे इसे। और फिर इसमें डाल देंगे हम कटी हुई येलो कैप्सिकम और रेड कैप्सिकम और कटे हुए टमाटर और कटी हुई हरी मिर्च और इसे कर देंगे अच्छे से मिक्स। और थोड़ी देर के लिए इसको ढक्कन लगा के हम पकने देंगे मीडियम फ्लेम में। बस हमें इसे ज्यादा नहीं पकाना है, थोड़ी देर पकाना है। अब इसमें डालेंगे हम पकी हुई मैगी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए दोस्तों, दिखने में कितना टेस्टी लग रहा है। अब इसके ऊपर हम जो हमने ऑमलेट बनाया था वो डाल देंगे और इसके ऊपर से थोड़ा सा मैगी स्प्रेड कर लेंगे और थोड़ा सा टमाटो सॉस। ये ऑप्शनल है, जिसको टमाटो सॉस नहीं पसंद हो नहीं भी डाल सकता है। और इसको कट करके ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आप लोग ये मैगी ऑमलेट डिश जरूर ट्राई करें, आपको ये जरूर पसंद आएगा। और मुझे कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।